जीत जाएंगे तो पैसा मिलेगा। चलना है क्या? ये है वो घंटा घर। तो गाइस अब इसमें से खाओ कर निकल गए। तो गाइस ये है दार्जिलिंग एक्सपो 2024। तो अभी हम लोग सबको जा रहे हैं इसी में। ये दोनों टप 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 आगे आगे चलती जा रही हैं। क्या जी, वाह। तो अभी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सच बताओ तो लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे, इसलिए मैंने फुल शर्ट्स पहन लिया। और ये है वो घंटा घर। वाह, यहाँ पे बहुत सारे गेम्स चल रहे हैं, गेम्स। यहाँ पे है फास्ट फूड्स आइटम्स, रोल्स। वाह, ये वाला खेलिए। कौन सा? तुम कोई गेम खेलना है तो खेल लो, मेरे को नहीं खेलना। जी मान जीत जाएंगे तो पैसा मिलेगा। खेलना है क्या? खेलना है तो खेल लो, मेरे को तो शूटिंग वाला खेलना है। किसको किसको खेलना है? शूटिंग वाला है? शूटिंग वाला खेलना है तो बोलो। 50 रुपए का 10 गो खेलिए ना। वो भाई तो हो गया भाई, वो भाई हो जाओ, वो तो भाई हो जाओ, मिल गया उसको। नहीं हुआ ऐसे थोड़ी ना होता है, जब तक कूड़ा नहीं होगा। और इधर सिलीगोरी चॉप काउंटर्स लगा हुआ है जी। इधर अंदर भी एक्सपो लगा हुआ है क्या? अंदर भी है? चलो अंदर भी चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा घूमते अंदर। आजा आजा पहले अंदर घूमते हैं, मुंटी आजा। अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले अंदर। इधर देख सकते हैं छोटा मोटा मार्ट टाइप का लगा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, अच्छी अच्छी भी चीज़ें हैं क्या? ड्रॉ कूपन्स, वाह, बच्चों के लिए है यहाँ पे बहुत सारे। अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर इस एक्सपो में, देखते हैं क्या है। वाह, चाय की पत्तियाँ, ये चाय की पत्तियाँ हैं देख सकते हैं, अलग 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 ग्रीन टी, दूध वाला टी है ना जी, और पता नहीं कौन कौन सा ब्लैक टी, बहुत सारी चीज़ें हैं। वाह, तो ये है खूबसूरत नज़ारा, ये है ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे बहुत सारे। वाह 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 वाह, कुछ कुछ तो ऐसे है जिसको पता ही नहीं है हमें। लो भाई देख सकते हैं इतना कुछ है ड्राई फ्रूट्स में। ये वाला अच्छा है, ये है फेवरेट अचार, पहाड़ी अचार है ना जी, एक से एक अचार है, हर चीज का अचार मिल जाएगा इधर। अचार देख के मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी भागो आगे, सच में मुंह में पानी आ जाता है। चाट देख के ऐसा चीज़ है क्या? कोई बच्चों का खिलौना है इधर बहुत सारा, देख लो कार्तिक हर्षित के लिए कुछ पसंद आ रहा है तो। यहाँ पे बुक्स भी है, तो गाइज इस एक्सपो में ना बहुत सारे जरूरत की चीज़ें मतलब मिल रही थी, और वुडन के भी बहुत सारी चीज़ें जो घर के आइटम्स वगैरह होते हैं या घर को डेकोरेट करने के लिए, वो सारी चीज़ें मिल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे देख के। कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत यूनिक थी जो हमारे तरफ मिलती नहीं, तो यही देख के कहीं ना कहीं लग रहा था कि काश अपने तरफ भी मिलता तो आदमी खरीद लेता। अब यहाँ से लेके जाना है, इट्स टू टफ, कितना भारी कौन लेके जाए। तो गाइस अब वहाँ से निकल के हम लोग पहुँच चुके हैं अभी मॉल रोड अगेन, और नाइट व्यू यहाँ का कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं वो भी आप लोग देख के चले। इसमें चले क्या? मोमो खाने? वाह, मोमो तो हर जगह खाते हैं, तो स्ट्रीट फूड खाना राइट। तो अभी नज़ारा ये है कि मुझे स्टॉल लेना पड़ा है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई। मैंने बोला भाई तुम स्वेटर पहनी हो दोनों, मैं तो लेकर ही आया हूँ, तो मैंने बोला भाई चलो। ये लाइट्स बहुत सुंदर सुंदर कैंडल्स मिल रहे हैं इधर। तो गाइस फाइनली अब बारी है यहाँ के फेमस
शॉप है होप, क्या नाम है जी? होप ना, होप होप होप। चलिए जी, वाओ। तो अभी आए हैं लोग, क्या लेंगे? पेस्ट्रीज या केक? क्या खाना? केक खाना है, पेस्ट्रीज खाना है? वाओ, चॉकलेट तो देख देख के भाई। ये लिए दे क्या? ये लीजिए ना, ये ब्लैक फॉरेस्ट चीज है। वाओ, ये भी अच्छा है, चॉकलेट। आज तो मैं भी खाऊंगा, बताओ खाना क्या है। बताओ कौन सा खाना है? हम लोग खाते हुए तो गाइस अब इसमें से खाओ कर निकल गए और अब चल रहे हैं बाहर की तरफ। हाँ, उस टाइम खाली था ना दिन में, और अभी गाइस एकदम खाचा खाच भरा है पूरा मॉल रोड। यही होता है हिल स्टेशन में, जो मॉल रोड सामने जो हो जाता है ना, फोटो क्लिक करवाना। ये ऊपर कैफे भी है ना, कैफे है ऊपर। अच्छा, ग्लेनरी 1885, समझ रहे हो कितना साल पुराना है? बहुत पुराना है। देखो इधर, एक पीस। तो गाइस अब बारी है शॉपिंग करने की, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे विंटर के जो गारमेंट्स हैं बहुत ही अच्छे, कुछ यूनिक टाइप के भी मिल जाते हैं जो अपनी तरफ नहीं मिलते। तो ये दोनों बहनें लग चुकी हैं शॉपिंग पे अपने। तो अभी पहुंच चुके हैं अपने रूम पे, और सच बताऊं तो बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बट अभी हम लोग आए तो बहुत देर हो गया, बट तितली को सुलाने का इंतज़ार कर रहे थे। इधर हमारी बिटिया रानी मात सो गई है, और दो दो कंबल रखना पड़ा है गाइस। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, मतलब मैं तो क्या ही बताऊँ आपको कि सच में, मतलब पता है क्या, मैंने एक गलती कर दी थी। ये लोग सब स्वेटर ले रहे थे, तो मैंने क्या बोल दिया था, अरे यार ठंड नहीं है उतनी, क्यों ले रहे हो? क्योंकि सच में मेरे को लगा था कि ठंड है ही नहीं। बट अभी जो यहाँ का वेदर है, और रात में तो भाई ठंड ऑटोमेटिक बढ़ जा रही है, क्योंकि मतलब पूरा फॉग, मतलब बादल पूरा भी हमारा। ये देखो, ये जो हमारा रूम है ना, तो बहुत ही खूबसूरत सा रूम है। मैं होटल का सब लिंक आपको दे दूँगा, तो देख सकते हैं गाइस। ये पूरा मॉल रोड के इधर ही है एकदम, इसको गांधी रोड बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा होटल है, और चीप एंड बेस्ट है। और सिर्फ रात में ही तो सोना है गाइस, क्योंकि दिन भर तो आदमी घूमता ही है, तो इसलिए ज़्यादा महंगा रूम लेने का भी ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। गलती मैंने की थी, और ठंड से तो आज हालत ख़राब हो गई। बाकी अभी हम लोग को शॉपिंग वगैरह करना था, तो आज हम लोगों ने क्या था कि डे वन था, तो रेस्ट किया और थोड़ा बहुत लोकल जगहों को थोड़ा बहुत घूमा, इंजॉय किया। बाकी कल से होगा हमारा जर्नी स्टार्ट, यानी फुली एकदम जितनी भी दार्जिलिंग में अच्छी अच्छी जगह सब कुछ आपको दिखाएंगे। थोड़ा धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं हमारी बिटिया रानी उठ ना जाए। इधर ये, हाँ इधर ये बेचारी सुला रही हैं, तो इनको सुलाने देते हैं। बाकी रात काफ़ी हो चुकी है, तो हम भी चलेंगे सोने के लिए, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा थक गए हैं। क्योंकि पहाड़ चढ़ना समझ रहे हो ना, और थोड़ा सा हेटिक जर्नी हो भी गया। मतलब हम लोग 3-3.5 घंटा लगा जर्नी करके ऊपर आए, ऊपर आए, ऊपर आने के बाद से बस फ्रेश हुए, फिर निकल गए मॉल रोड, और मॉल रोड के बाद से आए फिर रेस्ट किए, और फिर अभी शाम में 7 बजे से हम लोग, मैं, निशा और मनीषा, ये लोग निकल गए। फिर लास्ट में माँ भी आई बाबू को लेकर, तो इस तरह से हम लोग निकले थे घूमने के लिए। बाकी सब कुछ आपको धीरे धीरे आगे चल के बताते रहेंगे, कैसे घूमें, कब आएँ, और बहुत सारा चीज़, होटल्स वगैरह सब चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते रहेंगे आपको। क्योंकि आई नो बहुत सारे लोगों का प्लान बनता है, तो अपने अकॉर्डिंग जो हमने इन चीज़ों को यहाँ पे फेस किया और क्या गलती हमने की, तो वो गलती आप मत करना। और चलिए कोई नहीं, मिलते हैं आपसे अगले फ्रेश ब्लॉग में, क्योंकि कल का ब्लॉग बहुत ही खास होगा। तो बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।